उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर राज्य में एक राज्य एक पंचायत चुनाव लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को डीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के बाकी 12 जनपदों का त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव 2024-25 में किया जाना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री की पहल के बाद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने एक देश में एक चुनाव पर अपनी सिफारिश भारत सरकार के पास जमा कर दी। आज उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन और ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष संयुक्त रूप से आज माननीय जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के कार्यालय में उपस्थित हुए। हमारी जो एक मांग, एक राष्ट्र एक चुनाव की तर्ज पर एक राज्य एक पंचायत चुनाव उत्तराखंड में कराए जाएं, क्योंकि उत्तराखंड में हम यदि देखें 12 जनपदों का पंचायत चुनाव अलग और हरिद्वार जनपद का चुनाव जो है वो अलग चल रहा है, तो हमारी राज्य सरकार से मांग है कि ये जो विषमता हमारे राज्य के पंचायती चुनाव में है, इस विषमता को समाप्त करते हुए शेष 12 जनपदों के जो चुनाव हैं वो हरिद्वार जनपद के साथ कराए जाएं। उसी की मांग को लेकर विगत 24 जून को भी हमारे द्वारा खंड विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से उत्तराखंड के 89 ब्लॉकों से ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भेजा गया था, और उसमें हमने स्पष्ट तौर पर लिखा था कि यदि 1 तारीख को एक सप्ताह के भीतर हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम जिलाधिकारी कार्यालय से पुनः ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। उसी के क्रम में आज मेरे साथ खटीमा के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख आदरणीय नामदारी जी और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, हमारे पूरे उधम सिंह नगर के 7 ब्लॉकों के सम्मानित ग्राम प्रधानगण जो आज सभी उपस्थित होकर हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करा है, और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि सरकार इस पर सकारात्मक रूप अपनाएगी। परंतु लगातार हम ये 2 सालों से इस मांग को लेकर हैं कि कोरोना में भी हमारे साथ 2 वर्ष का जो कार्यकाल पंचायतों का था वो उसमें बजट हमको कुछ नहीं मिला, सारा बजट जो मिला भी वह पंचायत में मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड, इन सब में वो बजट खर्च हुआ है। तो हमारा कहना है सरकार से कि हमारे पंचायतों का कार्यकाल हरिद्वार जनपद के साथ बढ़ाए।